गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे आपको पता ही होगा कि हम आए हैं हरिद्वार, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा जैसे मैंने हरिद्वार दिखाया, तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, चलो चलते हैं। एक बात है, यहाँ पर एक बार गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद अब बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही। चलो देखते हैं कुछ खाते हैं, पहले तो ढूंढते हैं कुछ क्या खाने को मिलता है। हम तो वैसे प्रेफर करते हैं यहाँ का लोकल कुछ खाने को मिले, चलो नहीं मिलता फिर हम खाते हैं कुछ और। तो कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा खाने को, सिर्फ चाय पीते हैं और ऊपर नाश्ता करेंगे ऋषिकेश जाके। चाय तो पी ली, अब जा रहे हैं ऋषिकेश। एक तो पार्किंग भी बहुत दूर है, बहुत चल के जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं ऋषिकेश और जुड़े रहे हैं, आपको अच्छे से घुमाऊंगा ऋषिकेश। गाइस अब हम आए स्वामी विवेकानंद पार्क में, और यहाँ पर है एक भव्य मूर्ति शिव जी की, चलो दिखाता हूँ आपको। मूर्ति तो मैंने आपको दिखा दी, अब चलते हैं आगे ऋषिकेश की तरफ। हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, पहले कुछ खाते हैं फिर घूमते हैं। पर रास्ते में रुके शिकंजी पीने के लिए, और देखो कौन सा व्यू देखने को मिला, इट इज़ अ वंडरफुल व्यू। हम आए नील वाटरफॉल में, ये ऋषिकेश से 12 किलोमीटर दूर है, और यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपीज़ इंडियंस के लिए, और फॉरनर्स के लिए 50 रुपीज़। चलो जाके इसका व्यू दिखाता हूँ। अपनी व्हीकल खड़ी करके ऊपर फिर थोड़ा पैदल आना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए, सीढ़ियाँ बनी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से नहा के तो हम आ चुके हैं, अब खाते हैं मैगी और पीएंगे चाय, फिर यहाँ से चलते हैं। गाइस मैगी तो खा ली है, ये मस्त जगह है अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं, और इसका नाम है नील वाटरफॉल। अब चलते हैं यहाँ से। गाइस फाइनली वी आर एट ऋषिकेश, चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ राम झूला। राम झूले के ऊपर खड़े होकर जब गंगा मैया को देखते हैं तो कुछ अलग ही व्यू है। आप भी यहाँ पर आए हैं, अब इसके बाद लक्ष्मण झूला पे भी जाएंगे जो आपको थोड़ा हिलता प्रतीत होता है, अभी चलते हैं। सो
सो गाइस राम झूला क्रॉस करते सारी हमें एक अच्छा व्यू दिखा गंगा मैया का, जहाँ पर हम बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये था रामफल, मैंने पहली बार ट्राई करा पर अच्छा है। 2013 में जब बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद यहाँ पर जो स्थापित थी मूर्ति पुरानी वाली वो गंगा मैया के साथ बह गई थी, उसके बाद ये स्थापित करी गई थी उसी जगह पे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। भोलेनाथ की मूर्ति के बिल्कुल साथ ही हनुमान जी की मूर्ति, चलो आपको दिखाता हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत है। घूमते थोड़ी ऋषिकेश की मार्केट, फिर जाएंगे लक्ष्मण झूले पे। बिल्कुल गाइस अब आपको दिखाता हूँ लक्ष्मण झूला, ये बहुत पुराना झूला है, जब आप इस पर चलेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये हिल रहा है। चलो भाई, लक्ष्मण झूला तो वैसे बहुत पुराना था पर 1924 में जब बाढ़ आई तो ये बह गया था साथ में, उसके बाद 1929 में इसे दोबारा बनाया गया। ये प्रॉपर फील होता है हिलता हुआ जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो। सो गाइस ऋषिकेश तो हम तकरीबन घूम चुके हैं, अब चलते हैं हरिद्वार, क्योंकि हमने रूम नहीं चेंज करा, वहीं रूम ले रखा था तो सोचा क्या दोबारा चेंज करें, अब चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार तो पहुंच चुके हैं और चलते हैं, पार्किंग में एक्टिवा खड़ा दी है, बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा, चलते हैं। हरिद्वार से हम पहुंच चुके हैं, पीते हैं लस्सी फिर चलते हैं रूम पे। मलाई किधर गई? दही पी जाती ना तो मलाई कहां आ गया। तो गाइस लस्सी पी के तो सीधा रूम पे चले गए थे हम, अब फिर उतरे हैं थोड़ा रेस्ट करके, अब करते हैं सीधा डिनर फिर चलते हैं रूम पे, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना भी है वापस घर के लिए, तो करते हैं डिनर। चलो खाते हैं छोले भटूरे। तो गाइस खाना तो खा लिया, अब चलते हैं सीधा रूम में, चेंज करते हैं और सोते हैं, क्योंकि सुबह से बहुत थकावट होगी और सुबह जल्दी भी निकलना है। तो इसी के साथ ही ये ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लेके आने की। बाय बाय, लव यू।